पार्ट वी हैव डिस्कस दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैग यूजिंग द हिस्टोरिकल वेट्स ईदर बाय यूजिंग द बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट. व्हाई इट इज टर्म्ड एज द हिस्टोरिकल वेट? बिकॉज वी आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर प्रपोर्शन. अब वो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहे हम उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू ले रहे हैं या मार्केट की वैल्यू ले रहे हैं, बट ले हम हिस्टोरिकल वेट्स को उसको बोला क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रपोर्शंस ले रहे हैं. बट दिस इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट द वैक और विच इज मोर पॉपुलरली नोन एज वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वॉट वी डू इन दिस इज वेट्स आर असाइंड इन प्रपोर्शन ऑफ द न्यू कैपिटल और इंक्रीमेंटल कैपिटल फर्म्स इंटेंड टू एम्प्लॉय. इट सफर्स फ्रॉम लिमिटेशन दैट इट कैन लीड टू रॉन्ग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसमें हम क्या करते हैं कि पुराने वाले केस में हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हमने उसके वेट्स यूज करे थे. इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हम फ्यूचर में और फंड रेस करना चाहते हैं तो वो जिस प्रपोर्शन में हम रेस करना चाहते हैं उस प्रपोर्शन को हम एज वेट यूज करते हैं. दैट इज ओनली नोन एज द मार्जिनल वेट मेथड. तो इसमें मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल. तो जो हम एडिशनल कैपिटल रेस करना चाह रहे हैं हम सिर्फ उसका प्रपोर्शन लेते हैं और उससे हम वैक या वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं. सो वी डू नॉट टेक इन टू द कंसिडरेशन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ वट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ इट? ऐसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. यस, दिस कॉन्सेप्ट. नाउ अगेन इसमें यही चीज मेंशनड है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं हम इसको. दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस ओवर एंड अबव द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर. इफ द मैनेज्ड फंड्स आर मैनेज्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स देन द कॉस्ट ऑफ दैट सोर्स इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ. इफ द फंड्स आर मैनेज्ड फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैक और WMCC. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज का, जिसका प्रपोर्शन क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट है 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12% और प्रपोर्शन क्या है 5 लाख एंड 5 लाख, दैट इज 50% एंड 50% है. ठीक है, अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज एडिशनल चाहिए और इसमें ये फर्स्ट टू केसेस देख लो, थर्ड केस का इतना रेलेवेंस नहीं है कि थर्ड केस में वही सेम चीज है जो हम ऑलरेडी हमें पता है. इसमें फर्स्ट टू केसेस पे अगर हम ध्यान दें तो 2 लाख रुपीज मुझे अगर एडिशनल रेस करने हैं, वो मैं कहां से रेस कर रही हूँ? फर्स्ट केस क्या है? मैं सारा का सारा डेट से रेस कर रही हूँ. तो केडी क्या है? वो है 9%. तो मेरा केओबी क्या हो गया? 9%. ठीक है, दैट इज माय वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बिकॉज इन दिस केस मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मैं किस पर फोकस कर रही हूँ? सिर्फ एडिशनल कैपिटल को जिसको मैं रेस कर रही हूँ. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अगर ये 2 लाख मैं कैसे रेस कर रही हूँ कि आधा मैं डेट से ले रही हूँ, आधा मैं इक्विटी से ले रही हूँ और डेट की कॉस्ट है 9% और इक्विटी की कॉस्ट है 13%. तो अगेन I am not at all emphasizing on the existing capital structure. My focus in order to calculate the WACC is only on the additional capital का जो proportion है उस पे. तो इस केस में मैं क्या करूंगी? Half and half है, तो weights मेरे 0.5 हो गए. 9% into 0.5 plus 13% into 0.5 and get the WACC which is coming out to be 11%. So that is how we will do if you are supposed to calculate your WACC with the help of the marginal capital. तो उस केस में आप क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल या न्यू कैपिटल का जो भी प्रपोर्शन होगा आप उसको एज वेट्स लोगे, ना कि तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को. सो दैट